Hi, my name is Hardik. जैसे कि आप जानते हैं, as a consultant, I get invited to a lot of forums to give talks on business कैसे बढ़ाया जा सकता है. अभी recently मैं एक forum में गया था और वहाँ पे एक बहुत ही मज़ेदार question मुझे पूछा गया. वो question था कि आपके हिसाब से SMEs का growth ना होने के या होने का एक कारण, ऐसा मुख्य कारण क्या है? What is that one reason that grows an SMEs business or does not grow an SMEs business? So my response for all of you to know, it is only one thing, and that is वो owner का mindset. Owner का mindset इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपका business जो है वो जैसा भी है वो इसीलिए है क्योंकि आपने वैसे decisions लिए हैं. The kind of decisions you take is the kind of business you make, and the decisions depend upon how you think. आप जैसे सोचते हो आप उसी तरीके के decisions लोगे, और उसी decisions का outcome is the business that you have. जो नहीं ग्रो होते हैं ना, उनके बिजनेस डिसीजन कैपेबिलिटी में क्या प्रॉब्लम है? सो आई विल टेल यू, देर आर थ्री एरियाज. जब वो हमारे पास आते हैं, यू नो, व्हेन वी आर प्रोस्पेक्टिंग एंड व्हेन कंपनीज कम टू अस, और मैं पूछता हूँ उनको कि आपको ग्रो होना है, तो वो सब लोग बोलते हैं हाँ, ग्रो किसको नहीं होना है. देन आई से ओके, आपका अभी का टर्नओवर क्या है? सो दे से 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी है. देन आई से आपको क्या टर्नओवर पे पहुंचना है? तो 200-300% बढ़ा के, मतलब 15 करोड़ पहुंचना है, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, ऐसे जवाब मिलते हैं. एंड देन व्हेन यू आस्क देम कि 100 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको ऑब्वियसली इतना ज़्यादा सेल करना पड़ेगा, पर मुझे आप ये एक बात बताइए कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कस्टमर आपके पास से क्यों खरीदे, दूसरों के पास से क्यों ना खरीदे, आपका क्यों इतना बिजनेस बढ़ जाना चाहिए? तब कोई जवाब नहीं होता है. उनको पता ही नहीं है कि हमारा बिजनेस, हम जो चाहते हैं कि इतना ग्रो होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए. मतलब व्हाई विल एनीबडी, कोई क्यों आके आपके बिजनेस में इतना पैसा डालेगा, कोई क्यों आपका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा खरीदेगा, इसका जवाब ही नहीं है. अच्छा, अभी ये प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज कि ये जवाब नहीं है और ये जवाब वो ढूंढना भी नहीं चाहते. क्यों नहीं ढूंढना चाहते? पता नहीं. देर इज नो एजुकेशन दैट एन एंटरप्रेन्योर हु हैज अ स्टैग्नेंट बिजनेस दैट ही डज. बुक्स नहीं पढ़ते हम, मैं बोलता हूँ रीड बुक्स, सी टेडेक्स वीडियोज, सी यूट्यूब वीडियोज ऑन बिजनेस. देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू टू बी एबल टू ग्रो द वे यू टेक डिसीजंस. अच्छा, दूसरी चीज, इनको आदत होती है प्रोकेस्टिनेट करने की. मतलब प्रोकेस्टिनेट मतलब डीले करने की. जब मैं उनको बताता हूँ हम इस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं, या उनको कोई बुक सजेस्ट करता हूँ और फिर मैं उनको पूछता हूँ कि ओके, ये बुक पढ़ी आपने, ये पढ़ो, उसके बाद हम आपके साथ काम कर सकते हैं, बोलते हैं हाँ अभी मेरे को लग रहा है अभी नहीं पढ़ना है. या किसी कोई सॉफ्टवेयर, कोई बिजनेसेस बोलते हैं मुझे CRM लेना चाहिए, हम सोचते हैं, हम बोलते हैं ले लो, तो वो लोग बोलते हैं नहीं, पर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना. अब आप क्या सोच रहे हो? जब ये सवाल पूछते हो तो कोई जवाब नहीं मिलता है. मतलब सोच कुछ नहीं रहे, बस बिना बात के चीज़ों को डिले कर रहे हैं, अपनी पॉसिबल सक्सेस को अपने आप में चेंज करने को हम बस डिले करे जा रहे हैं. जब डिले करते जाएंगे तो कैसे बिजनेस ग्रो होगा? इफ़ यू डोंट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यू कीप डिलेइंग स्टफ, देर इज़ नो रीज़न वाई यू विल ऑपरेट डिफरेंटली. आप क्यों अलग तरीके से काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. और अगर अलग तरीके से काम नहीं कर पाओगे और वही तरीका अपनाओगे जो आज तक अपनाया, तो वही रिजल्ट मिलेगा ना भैया. ये प्रॉब्लम होता है. अभी तीसरा चीज़ ये भी होता है कि लोगों को चेंज करना है पर डिफ़िकल्ट चीज़ों से डर लगता है. और इसमें प्रॉब्लम मैं बोलूँगा थोड़े से ट्रेनर्स कंसल्टेंट्स, हमारी फेटर्निटी का भी है, क्योंकि ऐसे भी ट्रेनर्स हैं जो बोलते हैं 5 आसान तरीके अपना बिजनेस ग्रो करने के. भैया ये दिस इज़, आई डोंट अग्री टू दिस. देर इज़ नो ईजी वे टू ग्रो द बिजनेस. क्योंकि अगर ये जो बोल रहा है वो 5 आसान तरीके टू ग्रो योर बिजनेस, वो 2 चीज़ें बोल रहा है, उसका मतलब 2 होता है. एक के वो 5 आसान तरीके हैं, पर आपको 25 साल हो गया धंधे में, आपको वो आसान तरीके समझे नहीं, आप कितने बड़े बेवकूफ़ हो, ये हो सकता है. दूसरा हो सकता है कि ये 5 आसान तरीके बिजनेस ग्रो होने के जो वो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है. बिजनेस अगर आसानी से ग्रो हो सकता तो फिर हर कोई मल्टी मिलियनर बन जाता, राइट? क्यों हम मल्टी मिलियनर नहीं बने? क्योंकि बिजनेस ग्रो करना आसान नहीं है. बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको डिफ़िकल्ट चीज़ें करनी पड़ती है. डिफ़िकल्ट चीज़ें क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि जो भी चीज़ आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाहिए वो आप फर्स्ट टाइम करोगे, और फर्स्ट टाइम करने वाली चीज़ हमेशा डिफ़िकल्टी होती है. आपने कभी ड्राइविंग किया है? ड्राइविंग जब फर्स्ट टाइम किया तो डिफ़िकल्ट नहीं था? था ना, क्लच दबाना है, राइट में देखना है, लेफ्ट में देखना है, रेयर व्यू मिरर में देखना है, ब्रेक दबाना है, एक्सेलेटर दबाना है, गियर चेंज करना है, कितना टफ था. 10,000 चीज़ें एक साथ करनी पड़ रही थी,
पर धीरे धीरे जैसे आपने वो डिफ़िकल्ट चीज़ कंटिन्यू की, आसान हुआ ना, आसान बिजनेस ग्रो करना नहीं है, वो डिफ़िकल्टी है, आपको वो डिफ़िकल्ट चीज़ करनी पड़ेगी अगर आपको ग्रो करना है। सो मेरे हिसाब से तीन चीज़ें जो आपको, जो अगर आप स्टैग्नेंट बिजनेस हो, ग्रो करना चाहते हो, जो आपको करनी चाहिए। नंबर वन, आपको खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको खुद में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। टेडेक्स देखिए, यूट्यूब वीडियोस देखिए, ट्रेनिंग में एनरोल कीजिए, सही ट्रेनिंग में एनरोल कीजिए। वो वाली ट्रेनिंग नहीं जहाँ पे बोल रहे हैं पांच आसान तरीके, और वो वाली ट्रेनिंग नहीं जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है मज़ा आ गया। मज़ा आने के लिए पिक्चर देखिए, ट्रेनिंग मत कीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए, प्रोकेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि ये करना मेरे बिजनेस के लिए सही है, सॉफ्टवेयर लेना मेरे बिजनेस के लिए सही है, दो सेल्स वाले लेना मेरे बिजनेस के लिए सही है, अगर आपको लगता है, टेक दैट कॉल, डोंट डिले इट। डिले करने से कुछ नहीं मिलेगा। वो कॉल अगर आप ले लोगे तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो आप सक्सेस हो जाओगे, या तो आपको समझ में आएगा कि आप सक्सेस क्यों नहीं हुए। डिलेइंग अ डिसीजन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तीसरी चीज़, यू डोंट हैव टू फियर। चीज़ें हमेशा डिफ़िकल्ट ही रहेगी। बिजनेस ग्रो करना आसान नहीं है, इट इज़ टफ। इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो द बिजनेस, यू हैव टू डू टफ थिंग्स। विद दीज थ्री थॉट्स, माइंड सेट चेंज करिए एंड कीप प्रोपेलिंग। थैंक यू।